अंतिम दौर का प्रचार खत्म कर केदारनाथ और बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेने जाएंगे पीएम मोदी। आज सुबह 9 बजे केदारनाथ का करेंगे दर्शन। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 8:15 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। केदारनाथ में बनी गुफा में ध्यान करेंगे पीएम मोदी। विशेष पूजा अर्चना के साथ मंदिर में करेंगे रुद्राभिषेक। केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती के मुताबिक 80 के दशक में मोदी ने केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के पास गरुड़ चट्टी में 1.5 माह बताया था वक्त। आज रात केदारनाथ में बिताने के बाद कल बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। वाराणसी में मतदान के वक्त भगवान शिव और विष्णु की साधना में लीन रहेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। सुबह 10 बजे सपरिवार अमित शाह सोमनाथ मंदिर जाएंगे। राजकोट पहुंचे अमित शाह, सर्किट हाउस में ठहरे। साध्वी प्रज्ञा के गोडसे पर बयान को भुनाने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के ट्विटर पेज पर पार्टी लोगों को हटाकर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर गांधी की तस्वीर के साथ हैशटैग लगाते हुए लिखा, मोदी है तो वोट से है। साध्वी प्रज्ञा के बयान के खिलाफ आज कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन। सुबह 11 बजे बैंगलोर में निकालेंगे मार्च। बीजेपी ने गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने पर साध्वी प्रज्ञा से मांगा जवाब, 10 दिन में जवाब तलब। गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन करने पर बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े से भी जवाब तलब। गोडसे पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर बढ़ा विवाद। राहुल बोले, गोडसे लवर है बीजेपी आरएसएस। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बीजेपी ने ट्विटर पर जारी की पीएम के मन की बात, कहा मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वाराणसी में हार्दिक पटेल ने उठाया प्रज्ञा के गोडसे पर बयान का मुद्दा, कहा यह पहला मौका नहीं, इससे पहले शहीद करकरे का भी प्रज्ञा ने किया था अपमान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की खामोशी को भी हार्दिक ने बनाया निशाना, कहा पीएम मोदी को पता चल चुका है कि सत्ता में नहीं होने वाली वापसी। प्रज्ञा ठाकुर पर आज तक के सवाल को टाल गए पीएम। अमित शाह बोले, रिपोर्ट के बाद लेंगे आगे का फैसला। चुनाव प्रचार थमने से पहले अमित शाह ने फिर उठाया भगवा आतंकवाद का मुद्दा, कांग्रेस को जमकर लगाई लताड़। डांसर सपना चौधरी ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, पीएम मोदी की जीत की जताई उम्मीद। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरदासपुर में सनी देओल ने झोंकी ताकत, धर्मेंद्र भी रहे मौजूद। राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा रफेल पर सवालों के जवाब क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रफेल पर सवाल का दिया जवाब, भ्रष्टाचार के आरोपों को किया खारिज। पूर्वी यूपी से प्रधानमंत्री पर प्रियंका का प्रहार, कहा नेता नहीं अभिनेता है मोदी, अच्छा होता कि लोग अमिताभ को ही चुन लेते हैं। पंजाब के फजिलका में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल का रोड शो, लोगों ने लड्डू से किया स्वागत। बीजेपी का दावा, बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत, एनडीए को मिलेंगी 400 सीटें। आखिरी दौर का प्रचार खत्म होने से पहले पीएम मोदी ने की मन की बात, पूर्ण बहुमत के साथ किया वापसी का दावा। अमित शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे पीएम मोदी, लेकिन पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया जवाब। आज तक ने पीएम मोदी से साध्वी प्रज्ञा को लेकर दागे सवाल, पीएम बोले पार्टी के अध्यक्ष देंगे जवाब, परंपरा का दिया हवाला। पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी ने लीजिट की ट्वीट किया, शायद अगली बार अमित शाह आपको जवाब देने का मौका दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल ने मोदी पर किया वार, कहा तय है भ्रष्ट सरकार की विदाई, जल्दी ही देश को मिलेगी नई सरकार। योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भूले भाषा की मर्यादा, चंदौली में बीजेपी नेताओं और यूपी बीजेपी अध्यक्ष को महेंद्रनाथ पांडे को संबोधित कर दी भद्दी गाली। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा उम्मीदवार महेंद्र के चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी नेता फैला रहे हैं भ्रम, गठबंधन का दे रहे हवाला। महात्मा गांधी को पाकिस्तानी राष्ट्रपिता कहने पर बीजेपी नेता अनिल सौमित्र पर हुई कार्रवाई, पार्टी ने किया सस्पेंड। महात्मा गांधी के परपौत्र गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा साध्वी प्रज्ञा ने बयान पर मांगी माफी, बापू के सम्मान की बात कही, लिहाजा ये विवाद अब खत्म। गोपाल कृष्ण गांधी बोले, महात्मा गांधी भी यही कहते, भगवान प्रज्ञा को माफ करे। कमल हासन किया ट्वीट, हम सब भारतीय हैं, ये जाति धर्म और समुदाय से ज्यादा महत्वपूर्ण।
सीएम केजरीवाल का दावा, पंजाब में कांग्रेस को मिलेगी करारी शिकस्त, कैप्टन अमरिंदर को देना पड़ेगा सीएम पद से इस्तीफा। कल होगा लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान, 8 राज्यों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कल पंजाब के सभी 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भी वोटिंग कल। यूपी में भी बची 13 सीटों पर मतदान कल, पीएम मोदी और योगी की अग्नि परीक्षा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा मतदान। आखिरी चरण में कल पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर होगा मतदान, हिमाचल में 4 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार और मध्य प्रदेश की बची 8-8 सीटों पर भी कल होगी वोटिंग। 23 मई को होगी सभी 543 लोकसभा सीटों की मतगणना, राजनीतिक दल अभी से सियासी गठजोड़ में जुटे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज विपक्षी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात, आज सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे सीएम नायडू। सीएम अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी से भी चंद्रबाबू नायडू आज करेंगे मुलाकात। दिल्ली में मेल मुलाकात के बाद लखनऊ जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश और मायावती से करेंगे मुलाकात। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी आज दिल्ली में सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, दोपहर 12 बजे का तय है वक्त। आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे आम आदमी पार्टी और टीआरएस के नेता, सुबह 11:30 बजे करेंगे मुलाकात, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद भी चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी आज मिलेंगे आप नेता संजय सिंह और राघव चड्डा, ईवीएम को उठाएंगे मुद्दा। दक्षिणी दिल्ली से आप उम्मीदवार राघव चड्डा का नया शुरू हुआ, ईवीएम बदले जाने की जताई आशंका। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले दिल्ली में चुनाव नतीजों को लेकर उत्साहित है कांग्रेस, अभी से शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। पश्चिम बंगाल में कांडी और नौगदा विधानसभा सीट पर 20 को होना है उपचुनाव, इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी दोनों विधानसभा सीटों पर हिंसा और पुलिस के बेजा इस्तेमाल से जीतना चाहती है चुनाव, चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर वार, बोले गुलामों वाली है आजाद की मानसिकता, कहा फिर 44 सीटों तक सिमटी रह जाएगी कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बताया नेहरू का दिया नासूर, धारा 370 और 35 से हटाने का दिया भरोसा। राजस्थान में स्कूलों से दीनदयाल उपाध्याय का पाठ्यक्रम पाठ से हटाने पर छुड़ा सियासी घमासान, बीजेपी ने गहलोत सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी सरकार ने संघ के एजेंडे पर पाठ्यक्रम में किया था बदलाव। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़, दो आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका, मुठभेड़ जारी। सावा में कक्षा 5 में पढ़ने वाला छात्र हुआ अगवा, परिजनों से फोन कर मांगी 1 करोड़ रुपए की फिरौती। जम्मू में कालू चक के आर्मी पब्लिक स्कूल से घर लौटते वक्त मासूम का हुआ अपहरण, तफ्तीश में जुटी पुलिस। असम के नौगांव से एक शख्स गिरफ्तार, गुवाहाटी के सेंट्रल शॉपिंग मॉल के पास ग्रेनेड धमाके के आरोप में गिरफ्तारी। अलवर गैंगरेप के बाद अब धौलपुर में 8 साल की मासूम से दरिंदगी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। प्रयागराज में नाबालिग लड़की से छेड़खानी, आरोपियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वारदात के दिन से लापता है पीड़ित लड़की, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। हाजीपुर में टोल प्लाजा पर पुलिस की दिखी गुंडागर्दी, जरा सी देरी पर टोल कर्मचारियों को पीटा। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिया से नीचे गिरी तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक युवक को सरेआम दौड़ते हुए कुछ लोगों ने मारी 4 गोलियां, कुल 17 राउंड फायरिंग किए, फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती युवक। दिल्ली के पांडव नगर में बदमाशों ने एक महिला का गला घोटने की कोशिश की, आईफोन और पर्स लेकर हुए फरार। महिला ने पुलिस से की शिकायत, घर और थाने से कुछ ही कदम की दूरी पर हुई वारदात। मुजफ्फरपुर में युवती से गैंग रेप, एमसीएच में कराई गई भर्ती, 4 आरोपियों में 1 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर, जेवरात पर करते थे हाथ साफ, पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने वाले जौहरी को भी पकड़ा। मेरठ में सीएनजी पंप पर बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम, मैनेजर के पैर में मारी गोली। सीतामढ़ी में अस्पताल में हुई गर्भवती महिला और बच्चे की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। सीतामढ़ी पुलिस ने 8 बदमाशों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अमरावती में गांव में आई नील गाय को वन विभाग की टीम ने किया ट्रैंकुलाइज, जंगल छोड़ा। महाराष्ट्र के वर्धा में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। टीवी एक्टर करण ओबेरॉय को रेप के केस में मुंबई सेशंस कोर्ट से नहीं दी जमानत, एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने का लगाया है आरोप। खरगोन में एक जवान ने राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। यूपी के संत कबीर नगर में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट पीट कर दी गई हत्या, 6 लोग घायल।
रोहतास जा रहे पोलिंग कर्मचारियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एक कर्मचारी की मौत, चार घायल। सुपौल में एक स्कूल के हेडमास्टर पर मिड डे मील का चावल बेचने का आरोप, क्लासरूम में सोते हुए तस्वीर वायरल होने पर जांच के दौरान हुआ खुलासा। आगरा में जामा मस्जिद के पास आग से कई दुकानें खाक, करीब 12 दुकानें जली। झज्जर में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की बिजनेसमैन की हत्या, हुए फरार। फरीदाबाद में घर में एक छात्रा का नग्न हालत में मिला शव, लहूलुहान थी छात्रा, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। कटिहार में नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान में लाखों की चोरी को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुरादाबाद में आंधी तूफान से 3 लोगों की गई जान। दिल्ली में बीती रात हुई बारिश, लोड का पारा, गर्मी से राहत। दिल्ली में खराब मौसम की वजह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की लैंडिंग में हुई दिक्कत, 32 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई। दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज, बारिश ने सूरज की तपिश से लोगों को दिलाई राहत। हिमाचल के मंडी में भी बदला मौसम, आसमान में काले बादलों का डेरा, दिन में ही हुई रात। अगरतला में सीएम बिप्लब देव ने तूफान प्रभावित इलाके का लिया जायजा, क्षति का किया मूल्यांकन। डांस के रेड कार्पेट पर ग्रीन गाउन में दीपिका पादुकोण ने बिखेरा अपना जलवा, फोटोग्राफर्स ने तस्वीरें लेने की मची होड़। डांस में रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा का दिखा दिलकश अंदाज, निक जोनास के साथ पर्पल ड्रेस में प्रियंका दिखी बेहद खूबसूरत। अल्जीरिया में जबरदस्त प्रदर्शन, सुरक्षा बल से प्रदर्शनकारियों की झड़प। सुरक्षा बल की गाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शनकारी ने सुरक्षा कर्मी को नीचे ढकेला। न्यूयॉर्क में गेम ऑफ थ्रोन्स में लजीज कप केक ने लोगों को लुभाया, दिखे तरह तरह के केक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।